एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे मैं प्रतिभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़ सकते हो। साथ ही अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं की है तो आप सामने दिए हुए लिंक से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका जॉब अलर्ट्स, डेली अलग अलग सब्जेक्ट की क्विजेज आपको मिलेंगे जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जॉब अलर्ट्स मिलेंगे और हमारी कुछ कम्युनिटीज भी मिलेंगी जैसे एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये मेरी कम्युनिटी है एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम। यहाँ पर ऑलरेडी 950 के करीब बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ पीडीएफ्स जो है यहाँ क्लासेस की या मैराथन की वो यहाँ पर अपलोड होती है। तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अब इस लिंक से अगर आप इंस्टॉल करते हो आपको कुछ क्वाइंस भी मिलेंगे, उन क्वाइंस को आप एज अ फीस, एज अ मनी यूज कर सकते हो हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज को, किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए एज अ फीस उसको यूज कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, आज आपके सीसीआई के लिए एंटोमोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द आई सी जेड एन स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई सी जेड एन? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। या ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो आपके सामने है चारों के चारों ऑप्शन, जल्दी से बताओ इसका जो सही फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं वो जूलॉजी का ही एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रही एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात, वहां पर हम सिर्फ उन्हीं पेस्ट के बारे में फोकस करते हैं जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सत्य प्रकाश ने ए आंसर लिखा है, मधुरिमा ने सी, राकेश ने सी और रीमा ने ए। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, इट्स ए, ठीक है। काउंसिल नहीं होगा, इंटरनेशनल कोड होगा, ठीक है। राइट, दिस फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द क्यूटिकल फॉर्मेशन इन इंसेक्ट इज, तो आपके सामने सीक्वेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्यूटिकल क्या होता है। जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो बाहरी आउटर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो थ्री लेयर से मिलकर बना है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट लेयर। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी लेयर जो है, स्किन है बेसिकली इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट के बॉडी वॉल की, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। अब इंसेक्ट के अंदर एक फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो सांप है वो अपनी केंचुली निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अपनी स्किन बाहर त्याग देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वही रिमूवल जो है इंसेक्ट की स्किन में, क्यूटिकल में भी होता है, ठीक है। सो यहां पर आपको सही सीक्वेंस बताना है क्योंकि मोल्टिंग भी सीक्वेंसेस में होती है। और ये मोल्टिंग जो है इंसेक्ट्स में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये मोल्टिंग क्यों जरूरी है, इंसेक्ट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे जैसे इंस्टार्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, वैसे वैसे वो अपनी पुरानी स्किन को निकाल देते हैं और एक नई स्किन बनती है, ठीक है। नए सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, वैसे यहाँ पे मोल्टिंग होती है, राइट। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर सब लिख रहे हैं सी 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 सी, कुछ ए कुछ बी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, मोल्टिंग का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, उस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसका सही आंसर सी है, जिसने भी सी किया है और मैक्सिमम बच्चों ने सी किया है, बिल्कुल सही जवाब है। अब सी कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो टॉपिक आप बुक से पढ़ लोगे, टॉपिक आप अगर आपको नोट्स देंगे आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कशन से होता है, वो बार बार प्रैक्टिस से होता है, वो बार बार रिवीजन से होता है, ठीक है। एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया और फिर जयराम जी की टेस्ट दे के
एग्जाम में देखेंगे, दिस इज नॉट द वे. आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा सही है और उसके अगेंस्ट कौन सा गलत वाला ऑप्शन हो सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है. जैसे यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हुए ए और बी में, और लेकिन आंसर था सी. अब यहाँ पर एक कॉमन चीज मैं आपको दिखाती हूँ, एकडाइसिस पहले है, एपोलिसिस बाद में है. हमेशा एपोलिसिस पहले होती है, एकडाइसिस बाद में होती है, और ये दोनों क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि एपोलिसिस हमेशा पहले होती है. उसके बाद यहां पर हम देखें, यहां पर भी एकडाइसिस पहले आ रहा है, एपोलिसिस बाद में आ रहा है, ये भी गलत हो गया. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि एपोलिसिस पहले आती है. ठीक है, यहां पर पहले एपोलिसिस आई फिर एकडाइसिस आई. ओके, तो ये आपका सीधा ही दो ही, अगर आपको दो का भी नॉलेज होगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले एपोलिसिस होती है, फिर जो बाकी बची हुई ओल्ड क्यूटिकल होती है उसकी डाइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है एकडाइसिस होती है, फिर एपिक्यूटिकल मतलब एक नई लेयर बनती है. एपी पहले बनती है, ऊपर वाली लेयर, एपी मतलब ऊपर, ऊपर वाली पहले बनेगी और उसके बाद प्रो क्यूटिकल बनेगा, और लास्ट में क्यूटिकल हार्ड हो जाएगी क्योंकि इंसेक्ट्स को सॉफ्ट स्किन नहीं चाहिए होती है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए हार्ड स्किन चाहिए होती है. तो लास्ट में हार्डनिंग होगी क्यूटिकल की, और इस हार्डनिंग को बोला जाता है स्क्लेरोटाइजेशन, स्क्लेरोटाइजेशन. ठीक है, अब ये एपोलिसिस क्या होता है और ये क्या एकडाइसिस होता है इसको हम देख लेते हैं. ओके चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोल्टिंग. मोल्टिंग मैंने आपको बता दिया, जो इंसेक्ट अपनी पुरानी क्यूटिकल जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं, जैसे केंचुली निकलती है. सो कास्टिंग द क्यूटिकल इज कॉमनली नोन एज मोल्टिंग, और इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं. कौन सी प्रोसेसेस? पहली है एपोलिसिस. तो बेटा एपो का मतलब, जहां पर भी आप एपो मिक्सिस या एपो पढ़ते हो ना, तो एपो का मतलब होता है अवे, दूर. ठीक है, क्या हो रहा है? दूर हो रहा है. और लिसिस, लिसिस जहां पर भी होगा उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी टूटना. ठीक है, ब्रेक डाउन यानी टूटना, लिसिस मतलब टूटना. अब एपोलिसिस में ये पहली प्रोसेस है जहां पर पुरानी क्यूटिकल जो है एपिडर्मल सेल से अलग होती है. अब मैं आपको समझाती हूँ. ओके, इधर आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है वो तीन लेयर में बनी होती है. सबसे बाहर वाली क्यूटिकल, दूसरे नंबर की होती है एपिडर्मिस लेयर या एपिडर्मल लेयर, एंड अ थर्ड वन इज बेसमेंट लेयर. ओके, अब क्या होता है, ये बॉडी वॉल है तो ये क्यूटिकल इस एपिडर्मल से जब अलग होने लगती है, धीरे धीरे अलग होने लगती है इस एपिडर्मिस से, उसको बोलते हैं एपोलिसिस. ये मोल्टिंग का पहला इनिशियल स्टेज होता है. लेकिन जब ये क्यूटिकल पूरे तरीके से निकल के बाहर श्रेड हो जाती है उसको एकडाइसिस बोलते हैं. इसलिए जो असली वाली मोल्टिंग है बेसिकली वो एकडाइसिस है, एंड एपोलिसिस क्या है, इट इज अ अर्ली स्टेज ऑफ मोल्टिंग. ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे कि एपोलिसिस पहले होती है और फिर एकडाइसिस होती है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड ऐसा है जो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो चुका है जिसका यूज. ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी एंडोसल्फान, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी. डीडीटी और एंडोसल्फान दोनों ही जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. ओके, सो गुड. मधुरिमा सी कैसे लिख रही है? देखो द राइट आंसर इज डी. ओके, डीडीटी पहले यूएसए में बैन हुआ था फिर इंडिया में बैन हो गया. ठीक है, एंडोसल्फान तो बहुत लेटेस्ट अभी 2013 में बैन हुआ था, 2013 में ये इंडिया में बैन हो चुका था. अगर हम डीडीटी की बात करें तो ये 1972 में यूएसए में बैन हुआ था और 1989 के करीब ये इंडिया में बैन हुआ था. ठीक है, तो ये डीडीटी और एंडोसल्फान दोनों के दोनों जो है वो बैन है कहां पर? इंडिया में. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको कौन सी चीजें बैन हो जाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही यहां पर हो जाएगा. क्लियर.
यहाँ पर आपको कुछ हिस्ट्री मैंने बताई है, ठीक है, कि कब कब बैन हुआ है. फिर 1989 में इंडिया में बैन हुआ था, 1972 में यूएस में बैन हुआ था, ठीक है, कौन से पेस्ट के खिलाफ बैन हुआ था ये, तो ये चीजें आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है. ये कुछ हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए. और ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए, डीडीटी और एंडोसल्फान दोनों ही बैन हो गए, ठीक है जी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेम्परेचर ऑफ बी हाइव इज, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बी हाइव, उसमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, अगर आप पाल भी रहे हो मधुमक्खियों को, है ना, कितना टेम्परेचर होता है उसमें यूजुअली. नंबर ए 33 to 36 डिग्री सेल्सियस, नंबर बी 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, नंबर सी 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, या नंबर डी 35 to 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, जल्दी से आंसर बता दो कितना टेम्परेचर मेंटेन होता है. ओके, रीमा इज सेइंग बी, एनीबॉडी एल्स? ओके, सब लिख रहे हैं बी 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 बी, एक एक दूसरे को देख के लिख रहे हैं. सो द राइट आंसर इज ए, कितना मेंटेन करना होता है, 33 to 36 मेंटेन करना होता है, ठीक है. चलो अगला सवाल. द क्रायोसॉपिड मेलेडा बोनिनेंसिस, जिसका आपका ऑर्डर होता है न्यूरोप्टरा और फैमिली होती है क्राइसोपिडे, इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा. ये ह्यूमन के लिए टेम्परेचर नहीं है, बी हाइव का छत्ते का टेम्परेचर है, थोड़ा सा ज्यादा होगा ये नॉर्मल से, ठीक है. चलो सो जल्दी से बता दो, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है. जहां पर भी बायो जुड़ जाता है, बायो का मतलब लाइफ, लिविंग. तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो किसी पेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड. जैसे आप पैरासाइट या पैरासिटोइड, प्रीडेटर्स, ये सब चीजें यूज करते हो किसी पेस्ट को मारने के लिए, ओके, तो उसको बोलते हैं आप बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो ये जो क्रायोसोपिड है, ये किसके कंट्रोल के लिए, नंबर ए सिट्रस ब्लैक फ्लाई, नंबर बी सिट्रस लीफ माइनर, नंबर सी सिट्रस सिला, या नंबर डी इन सभी के लिए ही इनको यूज कर लिया जाता है. ओके, सो क्योंकि ये एक ही क्रॉप के पेस्ट है, तो इन सब के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट. हम इस क्रॉप की सारी जितनी भी यहाँ पे मेंशन्ड है उसके लिए यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सब के लिए ही यूज कर सकते हैं हम क्रायोसॉपिड को एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर लिक्विड प्रिजर्वेशन ऑफ लार्वा, निम्स एंड सॉफ्ट बॉडी एडल्ट इंसेक्ट्स आर स्टोर्ड इन, कितना सॉल्यूशन पे स्टोर कर सकते हैं. ऑप्शन ए 40% इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी 50%, या 75 to 80%, या 60%. कितने परसेंट सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल पे आप किसी भी लार्वा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, या निम्फ को. निम्फ क्या होता है, लार्वा ही तो होता है, ठीक है, लार्वा का ही टाइप है निम्फ. ओके, जितने भी हेमिप्टरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका व्हाइट फ्लाई हो गया, ट्रू बग्स हो गए, हेमिप्टरा ऑर्डर के जितने भी होते हैं उनके लार्वा को निम्फ बोला जाता है, ठीक है. सो कितना परसेंट सॉल्यूशन में इसको कराया जाता है, इसको कराया जाता है 75 to 80% सॉल्यूशन में इसको जो है प्रिजर्व किया जाता है, बेस्ट स्टोर इनको करा जाता है, ठीक है. सॉर्गम शूट फ्लाई अटैक इज सीन, जो सॉर्गम शूट फ्लाई होती है उसका अटैक सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलता है. नंबर ए आफ्टर जर्मिनेशन अप टू 30 डेज, जब जर्मिनेशन होती है सीड की उसके 30 डेज के आसपास देखा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी 30 to 50 डेज आफ्टर जर्मिनेशन, या 50 डेज आफ्टर जर्मिनेशन अप टू हार्वेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव. थोड़ा बुरा हाल है ना, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम मैं 6 बजे उड़ान में कराऊंगी इन क्वेश्चंस को, तो सभी ठीक करना. तो द राइट आंसर इज राइट आफ्टर जर्मिनेशन अप टू 30 डेज इसका अटैक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, जब शूट आपकी बनने लगती है, ठीक है, तब ये शूट फ्लाई जो है सॉर्गम शूट फ्लाई अटैक करती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ मिलीबग, मिली बग के लिए जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन सा होता है.
ऑप्शन ए इज क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रोजीरी या स्काईमेनस स्पीशीज या स्पेलगिस इपियस या ये सभी स्पीशीज जो है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज कर सकते हैं. ओके सो भूमिका का पहला पहला तुक्का सही हुआ. हाँ कि भूमिका को आता था. तो ये सारी ही स्पीशीज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हम यूज कर सकते हैं फॉर मिलीबग. अगर हम मिलीबग की बात करते हैं तो वो वाइट वाइट से दिखाई देते हैं और ये जो मिलीबग होते हैं ये मैंगो में मेजर पेस्ट होते हैं. ठीक है, इन मिलीबग्स के वैसे तो अगर हम देखें तो ट्री बैंडिंग इसका सबसे वी कैन से इम्पॉर्टेंट या मेजर इसका कंट्रोल जो होता है मैनेजमेंट होता है वो ट्री बैंडिंग होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. The connecting link between annelida and arthropods is. Annelida कौन से होते हैं? Annelids होते हैं जिसमें earthworms वगैरह आते हैं, roundworms आते हैं. ठीक है, तो उसके और arthropod ये क्या है? ये दो अलग अलग phylums हैं. जो annelida है वो एक अलग phylum है, जो arthropoda है वो अलग phylum है. arthropoda में आपकी 7 classes आती हैं. ठीक है, मैं आपको पढ़ाती भी हूँ कि arthropoda में 7 classes आती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी क्लास है insecta या hexapoda. ठीक है, अब जो एनिलिड्स हैं, एनिलिडा जो आपका फाइलम है उसके और आर्थ्रोपोड के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? नंबर ए ट्राइलोबिटा, नंबर बी अरेक्निडा, नंबर सी क्रस्टेशिया या नंबर डी ऑनिकोफोरा. अच्छा तुम डायग्राम याद करो कि अरेक्निडा माइट्स और अर्थवर्म क्या आपस में मिलते जुलते हैं? बिल्कुल नहीं. ठीक है, क्या ट्राइलोबिटा जो ट्राइलोबाइट्स बताए थे क्या वो अर्थवर्म से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो बीटल जैसे दिखते थे, है ना. तो ये भी नहीं होगा आंसर. अरेक्निडा भी नहीं होगा जो बी लिख रहे हैं, माइट जैसे थोड़े ना दिखते हैं. अब इधर देखो क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में आपके कौन से आते हैं? जो भी आपका सी फूड्स क्रैब्स वगैरह होते हैं. क्या क्रैब राउंड वर्म जैसे दिखते हैं? लेकिन ऑनिकोफोरेंस जो ऑनिकोफोरा क्लास थी उसमें आपके कैसे वर्म आते हैं? वेलवेट वर्म आते हैं, पेरिपेटस जिसको बोलते हैं. सो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोड इज योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्रस्टेशिया से नहीं. देखो मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोड दोनों ही फाइलम होते हैं, अलग अलग फाइलम. इसमें आपका इंसेक्टा आता है और इसमें आपका अर्थवॉर्म्स आते हैं, है ना. केंचुआ खाद सुनी होगी आपने, तो अर्थवॉर्म आते हैं. इनके बीच में क्या कॉमन चीज है? ऑनिकोफोरा. क्योंकि यहाँ पर ऑनिकोफोरा में वॉर्म्स आते हैं और ये भी काइंड ऑफ वॉर्म्स ही होते हैं, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, क्रैब की तरह थोड़े ना लगता है ये. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर या एज सॉइल पेस्टिसाइड. ठीक है, अगर सॉइल में आपको इंसेक्टिसाइड का यूज करना है तो पायरेथ्रॉइड क्या होता है? सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो पायरेथ्रॉइड है वो क्या होता है? क्राइसेंथिमम से बना है, एक बोटानिकल है ये, जिसको एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये जो पायरेथ्रॉइड है ये एक ग्रुप है, इसके अंदर भी बहुत सारे पायरेथ्रॉइड्स होते हैं, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स होते हैं. तो इसमें से कौन सा जो है वो सॉइल इंसेक्टिसाइड है? लगा लो बेटा, तुक्के लगा लो तुम, है ना. चलो, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो टेफ्लोथ्रिन जो होता है वो आपका सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है. ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस जो है आपको आराम से जो है ध्यान से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है. ठीक है, व्हाइट ग्रब इज ऑल्सो नोन एज. कई बार आप क्या करते हो एंटोमोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने छोड़ दिए होते हैं. ठीक है, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए और वही रिवाइज करना हमारी जिम्मेदारी है. जल्दी से बता दो, व्हाइट ग्रब आज तक आपने सुना होगा, व्हाइट ग्रब. ठीक है, होलोट्रीचिया उसका नाम भी सुना होगा, कॉलियोप्टरा ऑर्डर से ये बिलोंग करता है ये भी सुना होगा, लेकिन व्हाइट ग्रब को और किन किन नामों से जाना जाता है? क्या उसको रूट ग्रब बोलते हैं? क्या उसको मई जून बीटल बोलते हैं? क्या उसको शेफर्ड बीटल बोलते हैं? या ये सब कुछ बोलते हैं? सो भूमिका का अगेन तुक्का सही होते हुए, बेटा ये सारे नाम जो है वो व्हाइट ग्रब के ही नाम है. ठीक है, तो अपने नोट्स जो है थोड़े से अपडेट कर लेना इसको, और अगर आपको मतलब फुल डिटेल में ये सब चीजें पढ़नी है
ओके, ताकि आपका जो सिलेबस है उसमें एंटोमोलॉजी भी है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग भी है. तो अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो. जैसे कि आपको पता है ये CCI की क्लास है और CCI की वैकेंसीज भी आ रखी है, तो दिस इज अ गुड जॉब. ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो इसका कंप्लीट बैच जो है 14th of August से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले पहले आप एनरोल कर लो, एक भी क्लास मिस मत करना. ठीक है, सब आपको डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा. अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड लगाना है Y7818. ठीक है, इससे आपको जो है ऑलमोस्ट 77% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है. ठीक है, गूगल पे यहाँ पर सर्च करना है Adda 24/7. आपको पता है Adda 24/7 इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है और ऑल कोर्सेज पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे आ जाओ, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है. ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर में यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड रो में लास्ट में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI का आपको कोर्स मिल जाएगा. यहाँ पर आपको जाना है, ये कोर्स जो है इसको बाय नाउ करना है. इसमें ऑलरेडी एक कूपन कोड लगा है, उससे भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y7818 और वीकन से 7 और 8 में 1 का डिफरेंस होता है, तो अप्लाई कर दो इसको. आपको 1999 में यानी ऑलमोस्ट 2000 की फीस में इस बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हो, कुछ क्वाइंस आपके पास है, तो ये और भी कम हो सकता है, 1000 समथिंग में आपको पड़ जाएगा. ठीक है, सो जल्दी से एनरोल कर लो, 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. अपॉर्चुनिटीज जो है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए अगर कोई वैकेंसीज आ रही है. तो इसी अपॉर्चुनिटी पे मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि अपॉर्चुनिटी अभी तो CCI है, हो सकता है कुछ टाइम बाद NABARD आए, कुछ टाइम बाद आपका क्रिप्को का एग्जाम आए. ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्जाम आए. तो जो ये सारे एग्जाम है ये सिलेबस स्पेसिफिक है, तो सिलेबस स्पेसिफिक हम आपको पढ़ाते हैं इन सारे जो आपके बैचेस हैं. अगर आपको ये सारे बैचेस एक ही एनरोलमेंट में चाहिए, आपको अलग अलग नहीं लेना है अलग अलग समय पर, तो अगले आने वाले एक साल तक जितने भी बैचेस हम लेकर आएंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो सब आपको मिल सकते हैं इस एक एग्रीकल्चर महापैक में. तो इससे अच्छा कि आप 2, 2, 2, 3 इसका जो है अलग अलग से लो, आप 6,399 में एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैचेस में आ सकते हो. ठीक है, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, इसके साथ ही ईबुक्स और टेस्ट सीरीज फ्री है इसके साथ. ठीक है, आपको अलग से परचेज नहीं करना है टेस्ट सीरीज, इसके साथ ही इंक्लूडेड आपको मिलेगा. तो एग्रीकल्चर महापैक के लिए आपको यहाँ से बाय नाउ करना है. नंबर 1 पे आपको एग्रीकल्चर महापैक दिखेगा, यहाँ पर कोड लगाना है Y7818. ये कोड लगाते ही आपको ये 6,399 में ये कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाएगा. तो आई थिंक ठीक है, इट्स टाइम नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अच्छा भूमिका, थैंक यू फॉर दैट. ओके ओके, एक और बात, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपको लगता है नहीं आते हैं, उसको नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया करो जब भी टाइम लगे. ठीक है, जैसे अभी अगर आपके पास 1 घंटे बाद थोड़ा सा टाइम है तो उसको कर लो नोट डाउन. ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े. आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक खोलनी है. अच्छा, मैम ने व्हाइट ग्रब जहाँ पे तुमने नोट्स बनाए हैं, मैम ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई है कि व्हाइट ग्रब को ये भी बोलते हैं, रूट वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, शेफर बीटल भी बोलते हैं. ठीक है, ये सब कुछ आपको देख लेना है. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आती हूँ कि व्हाइट ग्रब जो है उनमें कैनावेलिज्म हैबिट होती है. ठीक है, मतलब वो अपने ही स्पीशीज के जो पेस्ट होते हैं उनको खा जाते हैं, अपने ही स्पीशीज को खा जाते हैं. जैसे अघोरी होते हैं ना, वो इंसानों को खा जाते हैं, तो दैट इज कैनिबलिज्म. फिर मैंने आपको नेक्स्ट में बताया कि कोई नॉक्टर्नल होता है, तो उसमें ऐड करते रहा करो चीजें, ताकि जब एग्जाम हो तो आपके पास इनफ रिविजन के लिए कंटेंट हो, आपको वीडियोज ना देखनी पड़े. ठीक है, चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको 6 बजे भी मुझसे जुड़ना है. आज शाम 6 बजे उड़ान क्लासेस में आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो हम टॉपिक वाइज करते हैं, वहां पे आना. और टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.